Hello children, good morning. In last video, I have taught you in narration the rules for changing the tense परिवर्तन और just इसी के उल्टा था exception, अपवाद, यानी tense में नहीं परिवर्तन. यहाँ तक आप लोगों को last video में पढ़ाए थे. Today we shall discuss about changing in person. Person में परिवर्तन, the rules for changing the person. Today we shall discuss. ये person परिवर्तन narration का ये सबसे difficult part है. जिन बच्चों को rules for changing the person समझ में आ गया, समझ लो उसको 50% है. नरेशन समझ में आ गया. यदि समझ में आ जाएगा सबसे इजी लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो नरेशन सबसे कठिन लगेगा. तो इसका एक चार्ट है, ये चार्ट देख लीजिए. टॉपिक है मेन रूल चेंजिंग इन पर्सन, पर्सन में परिवर्तन. इसके पहले हुआ चेंजिंग इन टेंस, इसे का रूल है चेंजिंग इन पर्सन, पर्सन परिवर्तन. इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे. टेंसेज नेम पहले कॉलम रहेगा, दूसरे कॉलम में सब्जेक्टिव फॉर्म, थर्ड कॉलम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, थर्ड फोर्थ पैसिव फॉर्म एंड लास्ट सेल्फ फॉर्म. सेल्फ फॉर्म इसको रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी बोलते हैं. ये आपके बन गए कॉलम पेंसिल नेम के, पर्सन्स नेम, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, सेल्फ फॉर्म. पर्सन्स नेम में आई सब्जेक्टिव फॉर्म, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, माई माइन ये पजेसिव फॉर्म है, और इसी का सेल्फ फॉर्म हो जाएगा माई सेल्फ, माई सेल्फ. सेकेंड वी सब्जेक्टिव फॉर्म, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आवर्स पजेसिव फॉर्म, आवर सेल्व्स ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव फॉर्म. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको. ये हमारा हो गया, ये जो है ये आई और वी ये हमारे आ गए, ये फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन. अब देखिए यहाँ पर इसकी संख्या टोटल जो हो जाएगी ये 8. आई मी माई 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 सेल्फ, आई मी माई 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 सेल्फ, वी अस अवर अवर्स अवर सेल्फ से 8 नहीं 10 होंगे. यहाँ पर आई मी माई 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 सेल्फ, वी अस अवर अवर्स अवर सेल्फ्स, टोटल संख्या 10 होगी. जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे वो टोटल संख्या में होंगे 10. इसके बाद आइए सेकंड पर्सन में. सेकंड पर्सन में सिंगल प्रोनाउन है,
सेकेंड पर्सन में सिंगल प्रोनाउन सिर्फ यू भर रहे हैं, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। अब देखिए इसमें इस संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या जो है ये 5 है, यानी सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है उनकी संख्या कितनी है, 5 है, ये 5 है। और इसके बाद आई थर्ड में ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे। अब देखिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का सी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। इट का इट, 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 इट्स, इट्सेल्फ। दे का दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम, पजेसिव फॉर्म, दे, देम, दियर, दियर्स। और इसी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म या सेल्फ फॉर्म, देम सेल्फ्स। ये हमारे हो गए, देखिए ही, सी, इट, दे, ये जो पर्सन हमारे हैं चार्ट, तो ये सब आएंगे थर्ड पर्सन में, ये हमारे आएंगे थर्ड पर्सन में, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। अब देखिए इसमें संख्या है जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस संख्या जो है हो जाएगी 18। यानी जो थर्ड पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होंगे वो टोटल कितने होंगे, 18 होंगे, 18 होंगे। और देखिए इसमें इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, देखिए फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सन का नाम दिया है, कौन फर्स्ट में आता है, कौन सेकंड में आता है, कौन थर्ड में आता है। फर्स्ट में आई और वी है, सेकंड में यू है, थर्ड में ही, सी और दे है। देखिए जो पहला कॉलम यह हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी और दे। इसके बाद यहाँ से हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पैसिव फॉर्म, ये तीन हमारे क्या है, मेन कॉलम है। आई, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई माइन, पजेसिव। और इसमें देखिए लास्ट वाले में क्या, सब में लगा है सेल्फ है, जो कि जितने हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, जितने सेल्फ वाले हैं सबकी हिंदी होती है स्वयं। तो देखिए बता रहे थे कि मेन कॉलम कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई माइन, ये पैसिव फॉर्म है। वी अस अवर अवर्स, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, और अवर्स हमारे ये पैसिव हैं। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव, योर, योर्स क्या है, पैसिव है। थर्ड में आइए, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, और हिज क्या है, ये पजेसिव है। सी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव, हर हर्स, पजेसिव फॉर्म। इट सब्जेक्टिव, इट ऑब्जेक्टिव, और इट्स क्या है, ये पजेसिव फॉर्म। दे सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म। डियर, डियर्स क्या है, पजेसिव फॉर्म है। इस तरीके से ये हमारे पर्सन का पूरा ये चार्ट है, बहुत ईजी है। तो पहले कॉलम में कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सन का नाम दिया है, और सेकेंड कॉलम में सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और पजेसिव फॉर्म, ये तीन हमारे जो 20 के कॉलम है, यही हमारे मेन कॉलम है। लास्ट कॉलम में सब में सेल्फ लगा हुआ है, बहुत इजी है, तुरंत जो है 5 मिनट के अंदर पूरा जो है पूरा चार्ट याद हो जाएगा। अब देखिए पर्सन बदलते कैसे,
पर्सन वाले एक फार्मूला है, कैसे बदलता, कैसे बदलता है पर्सन। देखिए इसका फार्मूला है सन, सन बटे 123, सन बटे 123 ये फार्मूला है। देखिए कैसे बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हमारे क्या है, ये पर्सन बदलने का फॉर्मूला है। ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है, एन का मतलब नो चेंज, नो चेंज। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। टू का मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और थ्री का मतलब होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इतने बार पर्सन है। देखिए इसमें कैसे बदलता है, सन बटे 123 ये फार्मूला, इसी फार्मूले से जितने पर्सन है सब कन्वर्ट होते हैं। देखिए यहां पर कैसे बदलेगा, ये चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं, आई, मी, माई, माई, माई सेल्फ, वी, अस, और, ours, ourselves। संख्या टोटल कितनी है, 10 है। यानी चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। यदि फर्स्ट पर्सन के अंदर अंतर्गत यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्ट स्पीच के अंदर कहीं भी, तो वो सब चेंज होंगे रिपोर्ट स्पीच के सभी के अनुसार। और यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिलता है रिपोर्ट स्पीच के अंदर, तो उसका रोल है चेंज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो सब कैसे बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इसके ऑब्जेक्टिव और पैसिव फॉर्म। टोटल संख्या 18 है, हम सबका नाम भी थर्ड पर्सन में रखा गया है। तो यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी मिलता है तो चेंज होगा ही नहीं, लिखा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये है पर्सन बदलने का फार्मूला। इसके आगे जो है कैसे कन्वर्ट होता है इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।